मुकेश सहनी के भाई को किसी सरकारी कार्यक्रम में जाना भारी पड़ गया। यहाँ विधानसभा के अंदर आज पूरे दिन मुकेश सहनी को लेकर किरकिरी होती रही। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर पूरी तरह से बवाल हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस पर पूरी तरह से बवाल खड़े किए हैं और कहा है कि ऐसे लोगों को यानी विधानसभा में बिना जीते हुए मंत्री बनाए जाने पर बवाल खड़े किए हैं और कहा है कि अगर मुख्यमंत्री जी का अगर कार्यक्रम हो और उनका बेटा चला जाए तो क्या हो सकता है। यानी पूरी तरह से तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को घेरा है और कहा है कि मुकेश सहनी को सरकारी कार्यक्रम में नहीं जाना था तो अपने भाई को कैसे भेज दिए। इसको लेकर पूरी तरह से बवाल खड़े किए हैं और तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री साहब अगर हमें कहते हैं कि ABCD की जानकारी नहीं है, ABCD पता नहीं है, उसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को आरे हाथ लिया है और कहा है कि ये कौन सी गलती हो गई मुख्यमंत्री साहब को, जो बिना सरकारी कार्यक्रम में यानी मंत्री के कार्यक्रम में उनका भाई जाकर उद्घाटन कर रहा है। या क्या क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को लेकर बवाल खड़े हुए हैं, जरा गौर से सुनिएगा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बातों को। मुकेश सहनी जी के भाई जाकर कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, सरकारी कार्यक्रम में। अब आप देखिए, इस पे ज़्यादा हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। अब इसका इंटेंशन आप समझ जाइए कि क्या है। कोई विधायक भी अगर अपना PA सेक्रेटरी भी रखना चाहे तो अपने रिश्तेदार को नहीं रख सकता। ये है। अब कल को मुख्यमंत्री जी कहीं क्षेत्र में बिजी हैं और अपने बेटे को अब विधानसभा भेजेंगे तो क्या ये अच्छा लगेगा? तब तो कल से अनिल सहनी जी हैं, ये अपने बेटे को विधानसभा भेज देंगे, एक क्षेत्र में बिजी रहेंगे तो कैसे चलेगा? चलो ठीक है, जो भी है, उनको मिला भी तो अपना भाई ही मिला, पार्टी का कोई अति पिछड़ा समाज का कार्यकर्ता नहीं मिला भेजने के लिए। इतना हितों की बात करते हैं तो देखिए, जो लोग ज़मीन में काम कुछ नहीं किया हो, ज़मीनी हकीकत नहीं जानता हो, जो कभी चुनाव नहीं जीता है, उसको आप मंत्री बना दीजिएगा तो इसमें गलती मुकेश सहनी की थोड़ी ना है, गलती तो नीतीश कुमार जी की ना है। इससे तो बिहार का नुकसान हो रहा है। अब आप बताइए, जिसको इतना ज्ञान नहीं है, जो हम लोगों को बोलते रहते